नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम रीवा जिले के सिरमौर तहसील के अंतर्गत विद्युत विभाग के ऑफिस के सामने हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर के एक हड़ताल की जा रही है। बिजली के बिलों के अतिरिक्त क्या मुद्दे हैं और क्या कारण है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का द खबरदार न्यूज़ पर। स्वागत है आप। हमारे साथ नगर अध्यक्ष सिद्धनाथ पांडे जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हीरामणि जी और मंडल अध्यक्ष हीरामणि जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे आज की इस हड़ताल के विषय में। तो आखिर ये हड़ताल जो की जा रही है तो उसका मुख्य मुद्दा क्या है? धन्यवाद मनोज जी। मुख्य मुद्दा हमारा ये है जी कि हमारी जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ने जी ये तय किया है कि जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली की कटौती हो रही है जी, किसान तबाह है जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पूरे जिले के अंदर जो भी विद्युत वितरण केंद्र हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं जी। हमारे जिले के नेता, मुख्य अभियंता रीवा के यहाँ धरना दे रहे हैं जी। और हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं, मंडलम कांग्रेस हैं जी, ये सब लोग हम लोग पूरे जिले के विद्युत वितरण केंद्र में कर रहे हैं। मूल बात ये है कि जो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनने पूरी तौर से बिजली बिल माफ करने की बात की थी। हमारी सरकार नहीं रह गई, इसके बावजूद जो सरकार आई उस सरकार में हमारे कमलनाथ जी ने ये कहा था कि किसानों का बिजली बिल माफ़ करने की बात हमने की थी, वो बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। लेकिन आज देश के पैमाने में बिजली बिल ही भर ही नहीं, आप पेट्रोल का रेट देखें, महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर से आगे बिक रहा है। ये सब सवाल जो खड़े हैं, तो पहला आज तो मूल सवाल मेरा विद्युत वितरण के केंद्र में है कि किसानों का जो ये बिजली बिल है इसको माफ़ होना चाहिए, और जो मनमानी तौर से बिजली बिल की बढ़ोतरी की गई है उसमें कंसेशन होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम आज धरने में बैठे हैं। ये एक दिवसीय धरना किया जा रहे हैं? ये हमारा धरना 12 से 2 बजे तक है। 12 से 2 बजे तक जिला प्रशासन में हम दबाव बनाएंगे और मुख्य अभियंता के नाम हम लोग ज्ञापन यहाँ सौंपेंगे, जेई को, एई को, जो भी लोग यहाँ आएंगे हमारा ज्ञापन लेने के लिए। और यदि ये बिजली बिल में परिवर्तन नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अगले समय में इनके विरुद्ध कड़े आंदोलन की घोषणा करेगी, बड़े आंदोलन करने की घोषणा। और जो विद्युत कटौती हो रही है जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो अभी पिछले दिनों अखबारों में भी निकला कि मेंटेनेंस की वजह से विद्युत कटौती की जा रही है, इस बात से कहाँ तक आप सहमत हैं? ये विद्युत मेंटेनेंस की वजह से नहीं जी, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी है जी, जनता को चुनतिया बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी है जी, कि ऐसा हम कहेंगे तो लोग मान जाएंगे जी। आप 3 हॉर्स पावर के मोटर की बात करें जी, 3 फेस लाइन की बात करें जी, 3 फेस लाइन जिनके पास है उनका 10 बजे सुबह और 10 बजे शाम को वो लाइट 3 फेस दी जाती है, कहीं एक फेस, कहीं दो फेस, कहीं यहाँ कटौती, कहाँ वहाँ कटौती। अब ये साढ़ का दिन आ गया है, लोग पलेवा दे करके रोपा लगाने का काम किसान कर रहे हैं, हर जगह किसान परेशान है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मुख्य मांग जो है तो आज के बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने की है आप लोगों की? हाँ, बिजली बिल की कटौती कम करने की है, रेट बिल कम करने का है। पूरे जिले के अंदर जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर जहां जले हुए हैं, यदि विद्युत विभाग के लोगों से बात की जाए तो सीधा सीधा उनका जवाब होता है कि उस गांव का बिजली बिल बाकी है, इसलिए वो ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता। बात ये सही नहीं है, जब वहां हम जाकर फील्ड में देखते हैं तो 100 लोगों के बिजली बिल में
10 लोग 15 लोगों का स्वाभाविक है कि बिजली बिल नहीं है, लेकिन 75% लोगों का बिजली बिल जमा रहता है, फिर भी लोग ट्रांसफार्मर के लिए परेशान हैं, सरकार के लोग ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। ये सरकार की एक पॉलिसी है। जबकि बिजली की यदि हम बात करें तो रीमा ज़िले के अंदर, बाणसागर के बांध के अंदर, सिलपरा के अंदर, हम चचाई के अंदर बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन आज किसानों की हालत ये हो चुकी है कि सिरमौर की चचाई में जितनी बिजली हम पैदा कर रहे हैं उस बिजली का फायदा सिरमौर के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो बिजली का प्रकाश इलाहाबाद पहुंच रहा है और यहाँ किसानों के हाथ में हथकड़ी लग रही है। बिजली बिल चोरी के नाम पर किसानों के ऊपर मामले कायम किए जा रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आपकी जो आज की अंशकालीन हड़ताल है तो इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के अलावा क्या किसानों का भी समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब किसान को ये मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से किसान हमारे साथ रहेगा। अभी सिरमौर में लगभग कितने घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा? लगभग 24 घंटे में 18 घंटे जी, 6 घंटे की कटौती अघोषित तौर पर की जाएगी। अघोषित तौर पर। और जो पूर्व काल में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा किया गया था वो जमीन पर नहीं खड़ा नहीं है जी। ये लगभग कब से स्थितियां कितने समय से बनी हुई ये है? 4-5 महीना हो गया जी। लगातार जो तो बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। अघोषित कटौती की जा रही है। और बिजली के बिलों में भी इजाफा, बिजली के बिल में इतना इजाफा है कि जिनके पास 100 रुपया आता था, सरकार ने घोषणा भी किया था कि हम 100 यूनिट का 100 रुपये लेंगे जी। तो उनके पास 300-400 रुपये आ रहा है जी। और जिनके पास 300 रुपये आता है उनके पास हजारों रुपये आ रहा है जी। वो लिए बिल भागते हैं कि भाई इसके में सुधार कर दो, तो बोलते हैं यहाँ सुधार का कोई प्रावधान ही नहीं, वो भागता है लिए कागज कहीं कोई सुनने वाला एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से, हाँ रीवा तक जी। अब आगे फिर थक जाता है, हो गया रहा। फिर उसकी लाइन काट देते हैं, फिर उसके ऊपर जो है तो FIR दर्ज कराते हैं, यही काम चल रहा है। एक तरीके से मतलब जो भोक्ता हो परेशान हो रहा है पूरी तरह। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एक कृषक है, कृषक को जो महत्वपूर्ण बिजली की आवश्यकता होती है तो वो बिजली नहीं मिल पा रही, आप लोगों का ऐसा कहना है, तो क्या क्या समस्याएं कृषक को झेलनी पड़ रही हैं? पूरी समस्याएं, पहली बात बिजली पर पूरा किसान निर्भर है जी। कनेक्शन लिए है जी। फर्जी बिल भी आ रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं है, किसी के पास मीटर भी नहीं लगा है, मनमानी और मनमानी कटौती भी हो रही है। तो उस टाइम तो बिजली विभाग के, बिजली के नाम पर विभाग लूट रहा है जी। और फर्जी बिल भी आ रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि बिल सही है, एक व्यक्ति के दो दो नाम से बिल आ रहे हैं। ऐसे कुछ मामले आप लोगों के संज्ञान में आए? संज्ञान में है, हमारे पास सूचना सूची भी रखी है। अभी क्या ऐसे किसी व्यक्ति का बिल भी आप यहाँ पे मौजूद हो सकता है? अगर ऐसा कोई बिल हो तो उपलब्ध कराएं थोड़ा सा। और ये खास तौर से जी किसान कुल मिलाकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है जी। और ये हमारे आदरणीय पांडे जी हैं, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं इसी ब्लॉक के जी। तो किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कुल मिलाकर सब ये एक ज्वाइंट कैंपेन है जो किसानों और मिश्रित वो है, हम सब चल रहा है। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है किसान कांग्रेस, जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, ये हमारे आदरणीय नेता जी हैं, सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। और मान लीजिए बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी जो हड़ताल की आप योजना की बात कर रहे हैं कि बड़े स्तर पर हड़ताल की जाएगी? और बड़ा उग्र आंदोलन होगा जी, बहुत बड़ा प्रदेश भर, हम पूरे प्रदेश में होगा। और जो ये बिजली की समस्या देखने को मिल रही है तो ये ब्लॉक सिरमौर या रीवा में है कि पूरे प्रदेश की है? समूचे मध्य प्रदेश की ये पूरी घटना है, ये हर जगह से ऐसी समाचार मिल रही हैं जी कि पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। और आज का जो ये आंदोलन तो जिला स्तरीय है ना? हाँ, ये जिला स्तरीय है, नहीं प्रदेश स्तरीय है ये आंदोलन, प्रदेश में कार्यालयों में ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हम लोगों को निर्देश जिला से किया गया है, ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। अगर इसी प्रकार से सुनवाई न हुई तो ये समूचे मध्य प्रदेश में और उग्र आंदोलन के रूप में ये खड़ा होगा। तो वैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक किसी विद्युत मंडल के किसी अधिकारी ने कोई संपर्क किया आप लोगों से? कोई नहीं आया। ज्ञापन सौंपने की योजना लगभग कब तक है?
एक बजे तक, दो बजे तक जी, दो बजे तक आप लोग का आंसर है, उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे जी। आप लोगों ने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान आंदोलन, किसान संघ और एक तरीके से कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के लोग, जो बढ़े हुए बिजली बिलों, अघोषित कटौती और बिजली की वजह से किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर के यहाँ पर अंशकालीन हड़ताल कर रहे हैं और इस विषय को लेकर के यहाँ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।